नाम में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन गेम लाजवाब है दोस्तों, या तो फिर नहीं। वेल, आज हम लोग बात करेंगे एवेसिप की निर्मित चिया गेम के बारे में। अनरियल 4 इंजिन में बनी ये सिंगल प्लेयर वीडियो गेम आदत में एक्शन एडवेंचर जॉनरा की है। ये एक इंडी गेम है, मतलब कि इंडिपेंडेंट गेम है, एंड दिस वीडियो गेम इज ट्रूली अ वर्क ऑफ आर्ट दोस्तों। शानदार ग्राफिक्स के साथ ये गेम आती है और यही ग्राफिक्स इस पर्टिकुलर गेम की कोर है, और ये गेम की ज्यादातर वॉयस एक्टर्स जो है वो लोकली हायर किए गए हैं। ओपन वर्ल्ड सैंडबॉक्स स्टाइल का ये गेम है, जहाँ पे एक्चुअली स्टोरी चिया नामक एक लड़की की है। इस गेम में आपको एक फिक्शनल टेल मिलेगा जिसको आप थ्रू आउट द गेम एक्सप्लोर करोगे और एंजॉय करोगे। हाँ, खतरा इस गेम में रहेगा, इट्स अ सेमी वायलेंट गेम, लेकिन बहुत सारे मैजिकल एलिमेंट्स भी इस गेम में हैं। नानी माँ बच्चों के साथ बैठ के उनको कहानियां सुना रही थी, और यही कहानियों में से एक कहानी है आज की इस पर्टिकुलर गेम की कहानी। जी हाँ, चिया की कहानी। चिया है इस पर्टिकुलर गेम की प्रोटैगोनिस्ट और ये इसकी एडवेंचर स्टोरी है दोस्तों। जन्मदिन के मौके पे अपने पिताजी के साथ चिया मस्ती कर रही थी, अचानक से कुछ लोग हेलीकॉप्टर में बैठ के आए और जबरदस्ती उसके पिताजी को उठा ले गए। कोई कोई कहता है ये लोग चिया की फैमिली फ्रेंड्स है, बट ये तो आपको गेम खेलने के बाद ही समझ में आएगा। तो इस घटना के बाद अकेली चिया कैसे टापू में सरवाइव कर पाएगी, क्या वो अपने पिताजी को ढूंढ पाएगी, यही से शुरुआत होती है एडवेंचर्स गेम चिया की। बहुत ही लाइट हार्टेड और ह्यूमर से भरी हुई ये नरेशन है दोस्तों। इसके चलते शायद ये गेम कहीं ना कहीं आपको प्रेडिक्टेबल लगे, लेकिन वो भी डिपेंड करता है हर एक प्लेयर्स के प्लेइंग स्टाइल के ऊपर। गेम में आपको ढेर सारे नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से मेमोरेबल कैरेक्टर्स ढूंढने में शायद आपको थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़े। ये गेम में डिफरेंट ट्राइब्स के बीच हेट्रेट को कुछ हद तक दर्शाई गई है। गेम का राइटिंग थोड़ा सा और भी इंटरेस्टिंग हो सकता था। इस गेम की वर्ल्ड आर्ट बहुत बेहतरीन है दोस्तों, लेकिन एक अच्छा गेम तभी जाके एक बढ़िया गेम बनता है जब गेम का सारे पैरामीटर अपनी जगह सही हो। नैरेटिव की अगर बात करें दोस्तों, ये नैरेटिव बहुत सारे जगहों में अच्छा है, लेकिन कई कई जगह में जो डायलॉग्स है वो काफी हद तक नैरेशन को सपोर्ट नहीं करते। इस गेम की नैरेटिव में म्यूजिक का अहम रोल है और वो वीक नैरेशन को भी थोड़ी सी जान देने में सक्षम होती है। इस गेम में बहुत सारे साइड एक्टिविटीज करने के लिए आपको मिलेंगे, जस्ट लाइक स्कल्पचिंग, रॉक बैलेंसिंग। ये चैलेंज को अचीव करते हुए आपको रिवार्ड्स मिलेंगे दोस्तों। वैसे करने के लिए तो बहुत सारे एक्टिविटीज है, लेकिन मेन स्टोरी की अगर बात करें तो वो खुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोर कैरेक्टर्स और इंटरेस्टिंग प्लॉट भी आपके सामने आएंगे, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली वो आएंगे नहीं। चिया इज अ कलरफुल एडवेंचर सेट अराउंड एन एरिया ऑफ ट्रॉपिकल आइलैंड रिच विद ट्रेडिशंस। चिया की कुछ कुछ खासियत है, एबिलिटीज है, जो धीरे धीरे आपके सामने रिवील होता चलेगा एज यू प्रोग्रेस इन द गेम। और ये एबिलिटीज का यूज करके आप बहुत सारे कुछ फन प्ले कर सकते हो, जैसे कि गेम में आप चाहो तो एक पक्षी बनके अपने पंख फैलाते हुए उड़ता चला जाओ, या तो फिर एक मछली बनके तैरता चला जाओ। कंप्लीटली डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो और आपके क्या क्या एबिलिटीज अनलॉक हुई है। चिया अगर चाहे तो कुछ चुनिंदे जानवर को अपना पेट भी बना सकती है। अपनी और एक एबिलिटीज के माध्यम से वो सोल जंपिंग कर सकती है, और इसके इस्तेमाल से वो दुश्मनों को मार गिरा सकती है। चिया कैन क्लाइम अप टू एनी सरफेस, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि उसकी स्टैमिना कितना हद तक रिटेन्ड है। शी कैन ऑल्सो यूज ए पैराशूट टू ग्रेसफुली ग्लाइड थ्रू द एयर एंड सेफली रीच टू एनी सरफेस। इस गेम के अंदर बहुत सारे बेसिक मिनी गेम्स होंगे दोस्तों, जो आप चाहो तो खेल भी सकते हो, उसके मजे उठा सकते हो, या तो फिर उस गेम को ऑटो प्ले में डाल के आप उस गेम को बैठ के एंजॉय भी कर सकते हो। वैसे मेन गेम चिया में न्यू एरिया को डिस्कवर करने के लिए आपको किसी एक व्यू पॉइंट में जाके चिल्लाना पड़ेगा जोर जोर से। जी हाँ, ऐसे ही अनलॉक होगा न्यू प्लेसेस। तो ऑल इन ऑल आप कह सकते हो चिया इज एन ओपन वर्ल्ड सैंडबॉक्स गेम दोस्तों। वैसे सैंडबॉक्स गेम क्या होता है, ओपन वर्ल्ड गेम क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस क्या होती है, इसके ऊपर मेरे चैनल पे वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। तो इस गेम में बहुत सारे कुछ चीजें आपको एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए आपको एक्सप्लोर करना बहुत ही जरूरी है। वैसे गेम में कोई प्रोमिनेंट फास्ट ट्रेवल नहीं है, इसलिए एक ऑब्जेक्टिव से दूसरे ऑब्जेक्टिव तक जाने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त तो लग ही जाएगा। एनिमी की अगर बात करें तो बहुत सारे टाइप के आपको एनिमीज तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, एनिमीज थोड़े बहुत है इस गेम में। इस सेमी वायलेंट गेम, तो उतना भी कुछ हैक एंड स्लैश इस गेम में आपको नहीं दिखने के लिए मिलेगा। वैसे आर्टिफिशियल एनिमीज थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो सकता था। गेम में थोड़ी बहुत ड्रॉबैक्स तो है क्योंकि ये इंडी गेम है, लेकिन इस गेम में बहुत सारे खासियत भी है, जैसे कि ये गेम को डेवलपर्स ने बड़ा पैशन से बनाया है, ये आपको गेम खेलते हुए समझ में आ ही जाएगा। गेम की ग्राफिक्स को ही आप पकड़ लो, ये
इट्स लाइक अ विजुअल ट्रीट दोस्तों। इट्स काइंड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कार्टूनिश एंड रियलिज्म ग्राफिक्स। सनसेट के दौरान गेम खेलते हुए आपको लगेगा कि आप जन्नत में आ चुके हो। चिया के पास अपना एक यूकेलेले भी है, जिया एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको भी धीरे धीरे वो अपग्रेड कर सकता है, उसको बजाना सीख सकता है, उस पर मास्टरी हासिल कर सकता है, लेकिन ये चीज आप स्किप भी कर सकते हो जस्ट इन केस इफ यू डोंट लाइक। और दोस्तों चिया के जो कपड़े या बाल या ज्वेलरी या फेस पेंटिंग, ये सारे के सारे चीजों को लेके आप कस्टमाइज कर सकते हो, और ये कस्टमाइजेशन करने के लिए आपको अलग अलग हिडन चेस्ट को ढूंढना पड़ेगा। मतलब कि ये गेम आपको इनकरेज करता है ताकि आप और भी एक्सप्लोर करो। जितना भी आप ये ओपन वर्ल्ड गेम्स में एक्सप्लोर करते जाओगे उतना ही नया नया चीजें आपको मिलता जाएगा, रिवार्ड्स आते जाएंगे, और आपके जितने भी सारे पावर है वो भी अनलॉक होता रहेगा, तो ये एक बढ़िया बात है। ऑल इन ऑल ये गेम चिया एक सराहनीय प्रोजेक्ट है डेवलपर्स के द्वारा, और एक इंडी गेम के लिए इट्स काइंड ऑफ अ हार्ड टू टेक ऑन एनी ट्रिपल ए टाइटल्स, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइस, ये गेम आपको एक फन टाइम तो जरूर देगा। ये गेम को एक्सप्लोर करते हुए आप कम से कम 12 से लेकर 20 घंटे तक बिता सकते हो, और फिलहाल ये गेम माइक्रोसॉफ्ट स्टीम और प्लेस्टेशन में अवेलेबल है। तो दोस्तों क्या आप चिया के साथ ट्रॉपिकल आइलैंड की सैर करना चाहोगे? इस रिव्यू को और भी अपने गेमर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, और उनको भी इनकरेज करना ये पर्टिकुलर गेम खेलने के लिए। दोस्तों मेरा नाम था सिद्धार्थ, हैव अ ग्रेट डे।